ऊपर सेट ठोक दीजिए महाकाल का, तुम्हारे लाइकर सेट ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का शो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और कुछ तरह का खतरनाक एंड बॉल सर मारने का जो हिम्मत मिलता है। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना। दोस्तों आप लोग अगर इस तरह का स्टेज बनाना चाहते हैं जो देखें आप दोस्तों बोलबम का सॉन्ग जो है प्रमोद प्रेमी जी का होने वाला है, इस तरह का बीच स्टेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आता है दोस्तों जिसका नाम है अलाइट मोशन। मोशन दोस्तों आपके प्ले स्टोर पर मिल जाता है। अगर आपको इसका मॉडर्न चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पिन कर दिया दोस्तों, वहां से आप जाके आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों आपको ये जो वीडियो देखो दोस्तों उसमें आपको दो लिंक मिल जाएगा, सॉन्ग बीट मार्क एंड सेकेट का, उसको आपको इंपोर्ट करना अपने अलाइट मोशन में। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों अपने अलाइट मोशन को ओपन करना, अलाइट मोशन को ओपन करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। सिंपली से आपको प्लस के बगल में जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करने के बाद आपको बोलबम सॉन्ग बीट मार्क एंड बोलबम सेकेट दिख जाएगा। तो दोस्तों आपको सॉन्ग बीट मार्क आपको चल के दिखा रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं एक नंबर एंड ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, यहाँ पे आपको वीडियो क्लिप एंड आपको कुछ इस तरह से कमाल का होना है दोस्तों। आपको जो रेड बीट दिख रहा है दोस्तों इसे आपको फोटो ऐड करना दोस्तों, आपको फोटो कैसे ऐड करना है दोस्तों सिंपल से प्लस पे जाना है एंड मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों आप जहाँ भी फोटो रखे रहेंगे दोस्तों वहाँ से आपको गैलरी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कोई भी फोटो सेलेक्ट करना है दोस्तों, जैसा कि मैं ये वाला फोटो जो ले रहा था दोस्तों कुछ आपको दिखाने के लिए। ये वाला फोटो लेने के बाद यहाँ से आपको थ्री डॉट पे जाना है एंड फिल कमन से पे क्लिक करना दोस्तों एंड थ्री पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा ग्रुप वन, तो दोस्तों यानी ग्रुप एंड मार्क वन, यहाँ पे आपको फोटो नहीं ऐड करना दोस्तों। यहाँ पे फिर डायरेक्ट जो है दो नंबर पे फोटो ऐड करना, फिर यहाँ पे वीडियो क्लिप है यहाँ पे भी फोटो नहीं ऐड करना दोस्तों, यहाँ पे फिर नहीं ऐड करना, फिर यहाँ से आपको फिर यहाँ से ग्रुप वन मार्क एंड लिखा है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको फोटो नहीं ऐड करना और जो है सारे रेड बीट के हिसाब से नंबर वाइज जो है फोटो को ऐड करना दोस्तों। तो मैं सारे रेड बीट के हिसाब से फोटो को ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं सारे रेड बीट के हिसाब से आप देख सकते हो फोटो को ऐड कर, ऐड करने के बाद दोस्तों मैं बताया था कि यहाँ पे आपको छोड़ना दोस्तों ना, फिर आपको वीडियो क्लिप पर छोड़ देना है आपको यहाँ पे छोड़ना है, तो मैं छोड़ चुका हूँ दोस्तों, आप छोड़ लीजिएगा। सिंपल से यहाँ से आपको बाइक आ जाना, बाइक आने के बाद सेकंड पे आना, सेकंड फेट पे आएंगे दोस्तों तो आपको पैरल फोटो पे क्लिक करना दोस्तों, पैरल फोटो पे क्लिक करेंगे फिर पे जाके एंड थ्री रोड पे जाके दोस्तों इसको कॉपी फिट करके यहाँ से आपको बैक आ जाना है एंड अपना जाना है सॉन्ग बीट मार पे दोस्तों। सॉन्ग बीट मार पे आएंगे तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह का नीचे आ जाना है दोस्तों, स्क्रॉल करके आने के बाद एक नंबर दिखेगा तो एक नंबर वाले फोटो पे क्लिक कर देना है, फिर पे जाना है थ्री रोड पे जाके इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद सेकंड फोटो फिर से आना है एंड आपको दूसरे फोटो पे क्लिक करना है, फिर पे जाके थ्री रोड पे जाकर दोस्तों इसको कॉपी फिट करके यहाँ से आपको बैक आ जाना है, सॉन्ग बीट मार पे जाना है। सॉन्ग बीट मार पे आएंगे दोस्तों तो आपको कुछ तरह से स्क्रॉल करके आ गएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दो नंबर दिख जाएगा तो सिंपल से ऊपर जाना है। आने के बाद दोस्तों ऊपर आने के बाद इस वाले फोटो पे क्लिक करके फिर पे जाके इसको पेस्ट करना कुछ इस तरह से। पेस्ट में करने के बाद यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर में बैक आ गया पूरा, यहाँ से आपको आना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नंबर का जो सारे फोटो एड कर रहे हैं दोस्तों वहाँ तो आपको लास्ट तक जो लगा दे, तो मैं लास्ट में आपको लगा के दिखाया था सारे फोटो पे जो पेस्ट करेगा, तो फोटो पे क्लिक करके फिर जाके इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद फिर आपको स्क्रॉल करके आ गया दोस्तों, आ गएंगे तो फिर आपको दो नंबर दिख जाएगा तो सिंपल से ऊपर जाना है, फोटो पे क्लिक करके फिर पे जाके पेस्ट करना है एंड आपको जो चार फोटो पे यहाँ पे पेस्ट करना है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं पांच फोटो पे आपको पेस्ट करना है दोस्तों, तो फोटो पे क्लिक करना है फिर पे जाके पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद इसका आपको जो रेड जो आपको लाइट दिख रहा है दोस्तों इसका कलर चेंज होगा तो सिंपल से फोटो पे क्लिक करना है फिर पे जाना है, तो आपको कुछ इस तरह से आ जाना है। इलेक्ट्रिक पे आने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी कलर जो सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, मान लीजिए मैं पिंक कलर का जो लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ सबको सिंपल से बैक आ जाना है एंड सेकंड फेट पे आना, सेकंड फेट पे आएंगे, सेकंड फेट में आने के बाद दोस्तों आपको तीसरे फोटो पे क्लिक करना है फिर पे जाना है थ्री रोड पे जाकर दोस्तों इसको कॉपी फेट करके यहाँ से आपको बाइक आ जाना है, सॉन्ग बीट मार पे जाना है। सॉन्ग बीट मार पे आएंगे दोस्तों आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके आ गया दोस्तों, यहाँ पे आपको आगे आएंगे दोस्तों यहाँ पे आपको तीन नंबर दिख जाएगा दोस्तों, सिंपल से ऊपर जाना आने के बाद फोटो पे क्लिक करके फिर जाके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको दूसरे फोटो पे क्लिक करके फिर जाके पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको तीन नंबर का जो आप जो सारे फोटो एड कर रहे हैं दोस्तों उसमें आपको लगाना, तो मैं लास्ट में आपको लगा देता लगा के दिखाता हूँ दोस्तों, आप जो सारे फोटो पे पेस्ट कर लीजिएगा कुछ तरह से। सर फिर आपको कुछ तरह से पेस्ट करने के बाद ऐसे आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद दोस्तों एंड सेकंड फेट पे आना, सेकंड फेट पे आने के बाद दोस्तों आपको चौथे फोटो पे क्लिक करना है फिर भी जाकर थ्री रोड पे जाकर दोस्तों इसको कॉपी फिट करके यहाँ से आपको बैक आ जाना है एंड सॉन्ग बीट मार पे आना, सॉन्ग बीट मार पे आएंगे दोस्तों आपको कुछ तरह का आपको स्क्रॉल करके आगे आ जाना दोस्तों।
यहाँ से आप आके आगे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको चार नंबर दिख जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको चार नंबर दिख जाएगा। तो सिंपली से ऊपर जाना, आने के बाद दोस्तों फोटो पे क्लिक करके फिर पे जाके पेस्ट करना है। चार नंबर को जाइए, आपका चार फोटो पे पेस्ट करना है कुछ इस तरह से। तो मैं दो फोटो पे आपको लगा के दिखाता हूँ, आप जो चार फोटो पे पेस्ट कर लीजिएगा। पेस्ट करने के बाद सिंपल से बैक आ जाना, इससे फिर पे फिर से जाना है एंड आपको लास्ट वाले फोटो पे क्लिक करना है। फिर जाके थ्रोड पर जाकर दोस्तों इसको कॉपी फिट करके यहाँ से आपको बैक आ जाना है। सर पर पूरा बैक आ जाना वहाँ पसंद क्यों, तो सॉन्ग बीट मार पे आना है। सॉन्ग बीट मार पे आएंगे दोस्तों आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके आगे ना दोस्तों आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको पांच नंबर दिखेगा। तो सिंपल से पांच नंबर फोटो पे क्लिक करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों सिंपल से आपको दूसरा फोटो पे क्लिक करना है दोस्तों एंड फिर जाके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको लास्ट में जाना, लास्ट में आएंगे दोस्तों तो पेस्ट कर लेता हूँ लास्ट में। आप जो पाँच नंबर के जो सारे फोटो पे पेस्ट कर लीजिएगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको आगे ना आगे आने के बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे फोटो करना है दोस्तों। सिंपल से यहाँ से आपको बैक आ जाना, बैक आने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सिंपल से प्लस पे जाके नाइन सोलह का रेसियो सेलेक्ट करके दोस्तों क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपल से प्लस पे जाना है, मीडिया पे जाना है आपको दोस्तों कोई भी फोटो सेलेक्ट करके दोस्तों थ्री डॉट पे जाके फिर कमेंट पे क्लिक करके दोस्तों आपको डब्बा के बॉल डब्बा पे क्लिक कर देना, करंट फ्रेम एस पी एन जी लिखा दोस्तों, इस पर क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपको एक्सपोर्टिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जो सेव कर लेना, सेव करने के बाद आपको दो फोटो को जो है कर लेना है। मैं दो फोटो जो है कर चुका हूँ दोस्तों, सिंपल से इसको जो है डिलीट कर देना कुछ इस तरह से। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको मैं डिलीट करके दोस्तों सॉन्ग बीट मार पे आना है। सॉन्ग बीट मार पे आएंगे दोस्तों तो आपको तीर पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से दोनों को इनेबल करना है दोस्तों। इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे कमाल को जो होना है दोस्तों। सिंपल से आपको यहाँ पे आपको लिखा दे तो प्रियांशु एक्स टेक निकलते, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एडिट एंड ग्रुप पे जाना है। एडिट एंड ग्रुप पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा है इमेज एड, इमेज एड यहाँ पे बीच में लिखा है दोस्तों प्रियांशु एक्स टेक निकलते, इसमें आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। सिंपल से आपको इमेज एड लिखा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कलर एंड फिल पर जाना है। कलर फिल पर जाने के बाद स्टार पर जाना है एंड आपको जो है लाइट मोशन का जो है फोल्डर सेलेक्ट करके दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला फोटो को जो है कुछ ऐसा से जो आपको भी फोटो जो है इसी तरह से सिलेक्ट कर सकते दोस्तों। तो मैं वाला फोटो लेकर दोस्तों प्लस पे क्लिक करता हूँ। प्लस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कुछ तरह से आपको बैक करके लास्ट वाले फोटो पे क्लिक करना है फिर कलर फिल पर जाकर दोस्तों यहाँ पे फिर से वही वाला फोटो लेना है। लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सिंपल से बैक करेंगे तो बैक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे कमाल का जो लग चुका है दोस्तों। फिर से आपको कुछ तरह से स्क्रॉल करके आ गया दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे दोनों को इनेबल करना है कुछ इस तरह से। इनेबल करने के बाद दोस्तों फिर से आपको प्रियांशु एक्स टेक निकलते पे क्लिक करके दोस्तों रिटर्न ग्रुप पे जाना है। रिटर्न ग्रुप पे जाने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके कुछ इस तरह से करेंगे दोस्तों आपका आ जाएगा। तो सिंपल से इमेज एड पर क्लिक कर देना दोस्तों एंड आपको कलर फिल पर जाकर दोस्तों यहाँ पे आपको जो फोटो एड करेंगे दोस्तों उसका आपको लेना। तो मैं वाला फोटो लिख कर प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। आपको सिंपल से बैक करके दोस्तों फिर से लास्ट वाले फोटो पे क्लिक करके कलर फिल पर जाकर दोस्तों स्टार पर जाकर ये वाला फोटो ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको जाना दोस्तों वीडियो क्लिप पे कुछ इधर से आगे स्क्रॉल करके आएंगे दोस्तों। आपको वीडियो क्लिप को जो एड करें दोस्तों तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों वीडियो क्लिप को लेना तो सिंपल से प्लस बना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों आपको जो डाउनलोड फोल्डर में आएगा तो आप जाकर ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं बनाया वाला एटमोशन से मैं ले लेता हूँ। लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ इधर से स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पहले से जो सेट हो चुका है दोस्तों। तो हमारा स्टेज जो कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों इस स्टेज को जो आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको सेटिंग बल में जो है आपको एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करके दोस्तों आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका 5 से 6 मिनट लगेगा आपका इस जो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।